press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon dabaiye, Adda 247 ki sari notifications paiye. Adda 247, government job in your pocket. Hello and welcome to the new current affairs show that is based on the paper Hindu, and I hope everyone who is watching this particular show will love and adore the new graphics and the new background that we have. Well, on this particular auspicious day of International Women's Day, a very happy International Women's Day to everyone who is watching this particular show, guys. So without further ado, let's start our proceedings. Bina kisi deri ke, aiye shuru karte hain hamari aaj ki charcha ko. Par usse pehle, let's pay ode and homage to all the women, to all the women in the entire world across the country. So this is our message from Adda 247, and this is the message, guys. She is wind, she is water. She is wind, she is water, she is snow, she is fire. She is vibrant, she is ambitious, she is one of a kind. A very happy Women's Day from Adda 247, government job in your pocket. With this particular message to all the women, to all the girls out there, let's start, guys. Shuru karte hain bina kisi deri ke, dikhate hain aapko aaj hamare important headlines kaun kaun si hain, aur wo ye rahi aapke samne the important headlines, guys. Well, first of all, we'll discuss about the most important day, that is the International Women's Day. Then we have headlines, page number 1, 2, 5, 6, we have two headlines. Then we have 7, 11, 12, then we have three financial terms. Then we have page number 13, then we have page number 15, then we have page number 18, which has two headlines. So, agar aap calculate karenge, to aaj bhi hamare paas balti bhar ke headlines already aa chuki hain. So, without further ado, let's start the show, guys, and let's focus on our very first headline, and uski baat hum karte hain, that is mentioned on page number 1. Jo mentioned hai page number 1 par. उससे पहले गाइस दिखा दें आपको द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द नेशनल वुमेंस डे, एंड ये रहे वो सारे फैक्ट्स आपके सामने स्क्रीन पर. वेल, अगर हम वुमेंस डे की बात करें, इट हैपन्स एवरी ईयर ऑन द 8th ऑफ मार्च. इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर द मूवमेंट ऑफ वुमेन राइट्स, महिला अधिकार के लिए इसको शुरू किया गया था पहली बार. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट टुक प्लेस इन न्यूयॉर्क ऑन 1909 में 28 फरवरी को पहली बार शुरू किया गया. एंड सिंस 1917 द इंटरनेशनल वुमेंस डे इज़ ऑन 8th ऑफ मार्च. 1917 से ये 8 मार्च पर है, जब रशिया के अंदर सारी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था. दिस पर्टिकुलर डे हैज़ बिन अडॉप्टेड बाय यूएन इन 75 में इसको अडॉप्ट किया गया. एंड जिसका पहला थीम था, द फर्स्ट थीम वॉज सेलिब्रेटिंग द पास्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. एंड जो इस साल की थीम है, इस साल की थीम दोस्तों है, टाइम इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट ट्रांसफॉर्मिंग वुमेंस लाइफ. आई अगेन रिपीट गाइज, द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर इज टाइम इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट ट्रांसफॉर्मिंग वुमेंस लाइफ. दैट इज द थीम ऑफ दिस वेरी ईयर. लेट्स कम बैक गाइज. सो द ऑब्वियस क्वेश्चन दैट कुड कम, नंबर 1, वॉट इज द थीम? नंबर 2, वॉट इज द टाइम लाइन ऑन विच डे इट इज डन? नंबर 4, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड? ये सारे सवाल इससे बन सकते हैं. चलिए, विद दिस फर्स्ट इंटरनेशनल डे, विद दिस डिस्कशन, लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड टू आर फर्स्ट हेडलाइन. एंड ये रही आपके सामने द हेडलाइन गाइस. वेल, आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट ओवरऑल, लेट्स फोकस ऑन डेली, बिकॉज इन डेली द वुमेंस डे गिफ्ट इज दैट दे हैव प्रोवाइडेड पैनिक बटन्स ऑन बसेस. एक पैनिक अलर्ट सिस्टम आपका बना है जिसको अटैच किया गया है डिफरेंट बसेस पर इन द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली. तो आपके साथ पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए. ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे, इन अ मूव टू बॉल्स्टर द सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन पैसेंजर्स, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ पायलट प्रोजेक्ट अंडर विच स्टेट रन बसेज वुड बी इंस्टॉल्ड विथ पैनिक अलार्म सिस्टम्स. तो दोस्तों, मैं बता दूँ हिंदी में आपके लिए. अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो सरकार है दिल्ली की, उसने कहा है कि जितनी भी दिल्ली की बसेज हैं उनमें अब पैनिक अलार्म सिस्टम्स को लगाया जाएगा. यहाँ पर दिस इंफॉर्मेशन वॉज गिवन बाय कैलाश गहलोत. कैलाश गहलोत जो कि
परिवहन मंत्री हैं, हु इज़ अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ही सजेस्टेड, उन्होंने कहा कि देर आर थ्री इनिशिएटिव्स. द फर्स्ट इनिशिएटिव इज़ द सेटिंग अप ऑफ द पैनिक ग्लास सिस्टम्स. द सेकेंड इनिशिएटिव गाइज इज़ द सेटिंग अप ऑफ बस मार्शल जो कि ट्रैवल करेंगे इन द बसेज. एंड थर्ड वुड बी द इंस्टॉलेशन ऑफ CCTVs by March 2019. तो वापस एक बार स्क्रीन पे आ जाएं. सो अंडरस्टैंड गाइस, इन दिल्ली देर इज़ नाउ अ सिस्टम जहां पर कि जितने भी बसेस हैं उनमें अटैच किया जाएगा पैनिक अलार्म सिस्टम्स को, नंबर वन. नंबर टू, अपार्ट फ्रॉम दिस टू अदर थिंग्स आर इन स्टोर, दो और चीज़ों को भी इस्तेमाल करने की बात की गई है. नंबर वन, बस मार्शल्स ट्रैवल करेंगे बसेज में टू सिक्योर द वुमेन. एंड थर्ड, CCTV कैमराज भी लगेंगे. एंड ऑल दीज थ्री इनिशिएटिव्स विल बी कम्प्लीटेड बाई मार्च 2019. अब एक बार स्क्रीन पर आपको दिखा दें इसी का द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने. नाउ द फर्स्ट फाइव पॉइंट्स गाइज आर द करंट अफेयर्स एंड द लास्ट फाइव पॉइंट्स आर द स्टैटिक फैक्ट्स अबाउट दिल्ली. तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे हैज अनाउंस्ड अ पायलट प्रोजेक्ट अंडर विच स्टेट रन बसेज विल बी इंस्टॉल्ड विद PAS stand for Panic Alarm Systems. Now, this has been said by Transport Minister of Delhi, Mr. Kailash Gehlot. उनका मानना है कि दो और initiatives हैं आपके, जिनके नाम आपके सामने दिए हुए हैं. उनके नाम हैं वन बस मार्शल एंड सेकेंड CCTV कैमराज. इनका जो कट ऑफ डेट है दैट इज़ मार्च 2019. वेल, दीज पैनिक अलार्म सिस्टम्स हैव बीन इंस्टॉल्ड बाई बेंगलोर बेस्ड NGOs का नाम है प्रोजेक्ट दुर्गा. अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लेफ्ट गवर्नर है अनिल बैजल, द करंट चीफ मिनिस्टर इज अरविंद केजरीवाल. इट इज़ द सेकेंड वेल्दीएस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी आफ्टर मुंबई, और इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट प्रोडक्टिव मेट्रो एरिया इन इंडिया. और न्यू दिल्ली जो कि कैपिटल है वो बना आपका 1911 में. तो यहाँ पर सवाल क्या बनेंगे, द क्वेश्चन दैट वुड कम, नंबर वन क्वेश्चन विल बी इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी पैनिक अलार्म सिस्टम विल बी अटैच टू बसेस. Question number two, what are the name of the three initiatives? Number one, panic alarm systems. Number two, bus marshals. Number three, CCTV cameras. Question number three, what is the date of implementation completion? That is March 2019. And then, which NGO will help in this particular system? It is Project Durga, which is a Bangalore-based NGO. So, I hope aapko headline puri tarike se crystal clear ho gayi hogi. Agar ho gayi hai, comments mein dal dijiye. Yes, sir, it is crystal clear. Agar aapko naya pattern samajh mein aa raha hai, to aap show ko like bhi kar sakte hain. Now let's proceed to our next headline guys, and uske liye hum chalte hain page number 2 par. The headline will focus on the neighbor of Delhi, that is Punjab. Now in Punjab, the government has passed a new scheme that is called as the affordable housing policy scheme. To dikha de aapko screen par, ये रहा आपके सामने, पंजाब गवर्नमेंट पेव्स वे फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग. मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, फर्स्ट इन इंग्लिश एंड देन इन हिंदी. दोस्तों परेशान ना होना, पहले मैं डिस्कस करूंगा इंग्लिश में एंड देन आई डिस्कस इन हिंदी, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना होइएगा. द पंजाब गवर्नमेंट ऑन वेंसडे गेव इट्स नॉड फॉर नोटिफिकेशन ऑफ द अफोर्डेबल कॉलोनी पॉलिसी 2018 एम्ड एट फैसिलिटेटिंग अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द लोअर इनकम ग्रुप्स. Here they will try to relax different provisions in this particular scheme. तो दोस्तों बता दूँ हिंदी में आपको, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने कहा है कि वो अफोर्डेबल कॉलोनी पॉलिसी 2018 को लॉन्च करेगा. इस पॉलिसी का मतलब ये होगा कि जो डिफरेंट आपके एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट और बहुत ही स्ट्रिक्ट जो रूल्स हैं कॉलोनी बनाने की, उन रूल्स को यहाँ पर रिलैक्स किया जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया भी हुआ है. सो वापस स्क्रीन पे आते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा द पंजाब गवर्नमेंट has allowed a policy that is called as the affordable housing, that is called as the affordable colony policy. This is only for the low income households, ऐसे परिवार जिनकी आय बेहद कम है उनके लिए इस पॉलिसी को दिया गया है. दिखा दें इसी का द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. अगर बात करें करंट अफेयर्स की, पंजाब गवर्नमेंट हैज़ गिवन एन अप्रूवल फॉर द अफोर्डेबल कॉलोनी पॉलिसी 2018 एंड इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी दे आर ट्राइंग टू मिनिमाइज डिफरेंट प्रोविजंस इन अदर पॉलिसीज. बाकी पॉलिसीज़ के जो प्रोविजंस हैं उसको इनमें रखा नहीं गया है. अगर हम पंजाब की बात करें दोस्तों, पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़. द करंट CM ऑफ पंजाब इज कैप्टन अमरिंदर सिंह. द गवर्नर इज मिस्टर VP सिंह बदनौरे. द फॉर्मेशन इज इन द ईयर 1966. पंजाब इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, ग्रीनरी ऑफ इंडिया
इंडिया एंड ऑल्सो इट इज़ द लार्जेस्ट ऑरेंज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. तो तीन चीज़ों के लिए न्यूज़ में है. एक तो ये पांच नदियों का एक ज़मीन है, लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, ग्रीनरी ऑफ इंडिया है, जहाँ पर मैक्सिमम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है और साथ ही साथ ऑरेंज प्रोडक्शन भी यहाँ पर अब सबसे बड़ी मात्रा में होता है. अगर यहाँ रिवर्स की बात करें, जो मेजर रिवर्स हैं वो हैं बियास, सतलज और कालीबैन. फेस्टिवल्स की बात करें, लोहड़ी या लोहड़ी, होला मोहल्ला और बैसाखी. डांस फॉर्म्स की बात करें तो भंगड़ा भी है, झूमर भी है, गिद्धा भी है, लुड्डी भी है. मिनरल्स में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, उनके नाम हैं आपके जिप्सम एंड आयरन. इन टर्म्स ऑफ नेशनल पार्क्स एंड WS, वेल इन पंजाब देर इज़ नो मेजर नेशनल पार्क, बट येस इट हैज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिनके नाम हैं अबोहार, हरिके और झज्जर, जो कि यहाँ के बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. अब यहाँ पर सवाल क्या बनेगा, क्वेश्चन वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एन अफोर्डेबल कॉलोनी पॉलिसी 2018. The answer is Punjab. Number two, you can also go through the static facts. For example, who is the present governor? Which of the following is a major river? Which state is called as the land of five rivers? Jhumar is a state dance of. Gypsum and iron are found in abundance in which state? And also, Abohar or Harike Wildlife Sanctuary is in which state? ये सारे सवाल यहाँ से बन सकते हैं. I hope ये headline भी आपको पूरी तरीके से clear हो गई होगी. चलिए अब आपको दिखाते हैं हम अपनी next headline, जो कि है page number. आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं हमारे next page पर. And that headline, guys, is on page number 5. वेल, इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना कहा गया है कि फॉर वुमन एंड ऑल्सो फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फॉर मुस्लिम्स देर शुड बी एन एडिशनल कोटा इन द स्टेट जॉब्स और इन डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स. ऐसा तेलंगाना सरकार ने कहा था, बट द सेंटर हैज सेड दैट द टोटल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल एलोकेशन. तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँगा तेलंगाना के बारे में. तेलंगाना में कहा गया कि एडिशनली रिजर्वेशन दिया जाए शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, मुस्लिम्स को, जिसको लेकर सेंटर ने कहा कि अगर आप एडिशनली दोगे देन द टोटल रिजर्वेशन एलोकेशन और द टोटल हिस्सा ऑफ रिजर्वेशन विल एक्सीड 50%, वो 50% से अधिक हो जाएगा, जो कि सही नहीं है. दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. तो एक बार स्क्रीन पे आपको दिखा दें, हायर कोटा फॉर मुस्लिम्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स फ्लॉड एज पर द सेंटर टेल्स तेलंगाना. तो यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ दूंगा ये तीन सेक्शंस, बाकी अगर आप ना पढ़ें तो भी चलेगा, बिकॉज दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स. मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, फर्स्ट इन इंग्लिश एंड देन विल डिस्कस इन हिंदी. द तेलंगाना बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स will be given additional reservation as per the State Services Bill 2017, which was passed on April 16, 2017. तो Scheduled Tribes, Scheduled Backward Classes और Muslims को additional reservation दिया गया था by the State Bill of 2017. Now, the objective क्या था इसका? To increase quota for Muslims and STs for admission into educational institutions and also in state services, जो कि किया गया था 12% और 10%, जो कि additional था. पर यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, the Department of Personnel and Training has said that the proposal in violation of the 92SC order that puts a cap on exceeding the quota beyond 50%. तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेलंगाना सरकार चाहती थी कि द मुस्लिम कोटा शुड बी एट 10% एंड द एसटी कोटा शुड बी एट 12%, बट द डीओपीटी विच इज़ द मेन बॉडी बिहाइंड द गवर्नमेंट्स रिजर्वेशन एंड एलोकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, उसने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द 92SC ऑर्डर स्टेट करता है कि 50% से अधिक हम रख नहीं सकते. लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस एंड दिखा दें आपको इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने. आप दोस्तों देख सकते हैं, मैंने देखे आपको दिया भी हुआ है कि जो फर्स्ट पैरा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो उसमें आपका सम अप हुआ है कि बेसिकली इशू क्या है, जहां पर आप मार्क कर सकते हो कि मुस्लिम्स के लिए 12% कहा गया, एसटीज़ के लिए कहा गया 10%, पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 92 का कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको माना नहीं जाएगा. अगर हम बात करें तेलंगाना के बारे में, द कैपिटल ऑफ तेलंगाना इज हैदराबाद, द CM इज मिस्टर KCR के चंद्रशेखर राव, द करंट गवर्नर इज ESL नरसिम्हन. इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 2014. अगर मेजर रिवर्स की बात करें तो वो हैं गोदावरी और कृष्णा. मिनरल्स में इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं यहाँ पर कोल, बॉक्साइट, लेड और जिंक. नेशनल पार्क्स में यहाँ पर आते हैं आपके महावीर, हरिना, वनस्थली नेशनल पार्क, मुरगवानी नेशनल पार्क,
कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, ये आपके इंपॉर्टेंट चार तीन नेशनल पार्क्स हैं। अगर रिजर्व्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ टाइगर रिजर्व्स, तो यहाँ पर आपके सामने है नागा अर्जुन सागर सिरिसलम, विच इज़ इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, लार्ज टाइगर रिजर्व, एंड ऑल्सो वी हैव द कवाल टाइगर रिजर्व। तो ये सारे रिजर्व्स आपके यहाँ पर मौजूद हैं। तो वापस स्क्रीन पर दोस्तों आए, तो यहाँ पर सवाल बनेगा, नंबर वन, विच स्टेट सर्विसेज बिल हैज़ प्रपोज इंक्रीज इन द रिजर्वेशन कोट ऑफ एसटीएन मुस्लिम्स, आंसर तेलंगाना। उसके अलावा अगर यहाँ सवाल बनता है तो सवाल बनेगा रिगार्डिंग द स्टैटिक फैक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल what is the major dance form, and similarly which is the largest ever tiger reserve, which of the following minerals is in Telangana। तो ये सारे सवाल इस particular headline से बन सकते हैं। तो I hope आपको ये चीज़ पूरी तरीके से clear हो गई होगी, clear हो गया है तो एक बार comments में डाल दीजिए yes sir it is clear, and अगर आपने show को अभी तक like नहीं किया है तो आप like कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ निधि जस्सू जी ने ₹200 donate किए हमारे show को, thank you so much for that guys। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हम अपनी next headline, और next headline गाइज है वो फोकस करती है पेज नंबर 6 को। तो चलते हैं अब हम पेज नंबर 6 पर। ओके, नाउ ऑन पेज नंबर 6 गाइज वी हैव अ हेडलाइन, एंड दैट हेडलाइन विल फोकस ऑन रेलवेज। ये रहा आपके सामने, रेलवेज मेल बैस्टियन फॉल्स अहेड ऑफ वुमेंस डे। बैस्टियन मतलब होता है बेसिकली मेल डोमिनेंस, तो जो रेलवेज में मेल डोमिनेंस था इन टर्म्स ऑफ रिपेयरिंग, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, वो जो आपका मेल डोमिनेंस है वो अब खत्म हो गया है, बिकॉज नाउ वी हैव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अ वुमन रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस टीम। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रेलवे ने एक नई पहल की है। रेलवे हैज़ सेड दैट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ फीमेल बैस्टियन, अ फीमेल रेजिमेंट दैट विल लुक इनटू रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवे एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स। तो ये हमारी आज की नेक्स्ट हेडलाइन है दोस्तों, और वो ये रही आपके सामने, रेलवेज मेल बैस्टियन फॉल्स अहेड ऑफ वुमेंस डे। अ मेल बैस्टियन, बैस्टियन मतलब मेल डोमिनेंस इन द रेलवेज इन्वॉल्विंग मेंटेनेंस ऑफ व्हील्स एंड ब्रेक सिस्टम ऑफ कोचेज हैज़ फॉलन अहेड ऑफ द इंटरनेशनल वुमेंस डे। यहाँ पर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हैज़ एंगेज्ड एन ऑल वुमेन ग्रुप एट द कोच मेंटेनेंस डिपॉट इन गुवाहाटी ऑन वेंसडे, विच इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट इंडियन वुमेन हैव बीन यूज फॉर द मेंटेनेंस रिपेयर इन द इंडियन रेलवेज। तो वापस जरा स्क्रीन पर आ जाएँ, तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अ मेल बैस्टियन वी कैन से दैट अ मेल डोमिनेंस, तो जो एक मेल डोमिनेंस था रेलवेज में इन टर्म्स ऑफ रिपेयरिंग मेंटेनेंस, वो डोमिनेंस अब खत्म हो गया है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे विच इज़ अ रेलवे जोन ऑफ द इंडियन रेलवेज, इट हैज़ एंगेज्ड एन ऑल वुमेन क्रू विच विल रिपेयर एंड मेंटेन दी गुवाहाटी डिपो, उसको वो वहाँ पर देखेगा। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट हेडलाइन है दोस्तों। अब दिखा दें इसी का द हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने, द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हैज़ एंगेज्ड एन ऑल वुमेन ग्रुप एट द कोच मेंटेनेंस डिपो इन गुवाहाटी। दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि ऐसा डिपो इंडिया में बना है जहाँ पर कि फीमेल्स को एम्प्लॉय किया गया है फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 20 वुमन, और इससे पहले देवर अर्लियर असाइन टू सॉफ्टर जॉब्स। ना वॉट इज सॉफ्टर जॉब्स, नॉन रिपेयरिंग और नॉन मेंटेनेंस जॉब्स। और ये जो पूरा आपकी कार्यवाही है, जो पूरा आपका एक इम्प्लीमेंटेशन है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द वुमेंस डे। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा सवाल क्या बनेगा, सवाल बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन हैज़ एंगेज्ड एन ऑल वुमेंस क्रू फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। द आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। एक और सवाल जो यहाँ पर बनेगा कि व्हेन इट शैल बी इंप्लीमेंटेड, इट शैल बी इंप्लीमेंटेड ऑन द इंटरनेशनल वुमेंस डे, जो कि है आज, जो कि है आपका 8 मार्च। चलिए लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस, एंड लेट्स फोकस ऑन आर नेक्स्ट हेडलाइन, एंड जो नेक्स्ट हेडलाइन है दैट फोकसेस ऑन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, बिकॉज अगेन ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे वहाँ पर भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको मौका मिलेगा LED लाइट्स को बनाने का। दिस अवसर, दिस अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन गिवन बाय द उत्तराखंड सरकार। सो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं रिगार्डिंग मोर वुमेन एम्पावरमेंट, मोर वुमेन एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स अक्रॉस द कंट्री। तो एक बार स्क्रीन पर हम आपको दिखा देगा इस, ये रहा आपके सामने, ट्रेनिंग फॉर वुमन SHGs इन मेकिंग LED लाइट्स, दैट इज़ आर हेडलाइन गाइज। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर
Mr. Trivendra Singh Rawat on Wednesday launched a program for women self-help groups at the Thano, which will train them in making LED lights. तो आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर कहा गया है कि वो SHGs को, SHGs means self help groups, उनको वो use करेंगे. They will employ SHGs to make LED lights, जो कि किया जाएगा in the place of Thano. यहाँ पर there is a 5-day program that has been named as the LED Gram Light Training Program, which will train around 50 women from 10 SHGs in making LED bulbs. तो स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर they are trying to employ the women SHGs and they will employ them by training them in the construction, in the setting up of LED lights. उसके लिए जो जगह चुनी गई है, जगह का नाम है थानू, वहाँ पर ये काम होगा. और जहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का नाम है द LED ग्राम लाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पर 50 महिलाओं को फ्रॉम 10 SHGs एम्प्लॉय किया जाएगा. तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं दे दिया है आपको द फर्स्ट पैरा. आई अगेन रिपीट फॉर एनी वन और एवरी वन टू मास्टर द करंट अफेयर्स स्पेशली फ्रॉम द पेपर हिंदू. जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको पढ़ना जरूरी है. यू शुड गो थ्रू एटलीस्ट द फर्स्ट पैरा ऑफ एवरी इंपॉर्टेंट हेडलाइन. तो स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की बात कर रहे हैं. द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून. द करंट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड इज कृष्णाकांत पॉल. द CM ऑफ उत्तराखंड इज, जो कि मैंने बताया पहले आपको, मिस्टर त्रिवेंद्र रावत. इट इज नोन एज देवभूमि एंड द लैंड ऑफ गॉड. यहाँ की जो मेजर रिवर्स हैं वो हैं गंगा एंड यमुना. द मेजर आर्ट फॉर्म्स हियर आर द गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, आईपान, पीट एंड देकारा क्ले मॉडल्स. मिनरल्स की बात करें तो मिनरल जो आपके सामने हैं वो हैं कॉपर, लेड और जिंक. और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दिया गया है वो दिया गया है तेज पत्ते को या तेजपत को, जो कि एक स्पाइस का फॉर्म है. तो अगर सवाल बनेगा कि तेजपत हैज़ बीन गिवन अ GI टैग इन विच स्टेट, द आंसर विल बी उत्तराखंड. अगर बात करें विश्व धरोहर की, तो यहाँ पर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो कि आपका एक हेरिटेज साइट भी है, साथ ही साथ इट इज़ ऑल्सो नेशनल पार्क. बाकी नेशनल पार्क की बात करें तो उनके नाम है द वेरी फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, विच इज़ आई गेस द ओल्डेस्ट एवर नेशनल पार्क इन इंडिया. देन वी हैव गंगोत्री नेशनल पार्क. देन वी हैव द गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, एंड वी हैव अ टाइगर रिजर्व इन कॉर्बेट एंड ऑल्सो इन राजाजी. यहाँ पर दोस्तों सवाल बनेगा ध्यान से अबाउट राजाजी, सवाल बना है RRBs के अंदर कि वेयर इज द राजाजी टाइगर रिजर्व लोकेटेड, द आंसर विल बी उत्तराखंड. लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस. तो आई होप आपको ये हेडलाइन पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी. अगर क्लियर हो गया एक बार कमेंट्स में डाल दीजिए, येस सर द स्पीड ऑफ द शो इज़ ऑल राइट एंड ऑल्सो वी अंडरस्टूड एटलीस्ट 50% ऑफ ऑल द मेंशन हेडलाइंस. और अगर अभी तक आपने लाइक शो को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल भैया लाइक कर देना. चलिए अब दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट हेडलाइन. एंड दैट हेडलाइन गाइज विल फोकस ऑन, वन सेकेंड, इट विल फोकस ऑन पेज नंबर 7. And that headline, guys, will focus on the Punjab National Bank scandal, the fraud. क्योंकि वहाँ पर जो दो सबसे main accused हैं, नीरव मोदी and मेहुल चौकसी, उनको उनकी जो एक organization है that is the Jewelry Export Promotion Council, जिसके वो members थे, उससे हटाने की बात की गई है. They have been tried to be removed from the Gem and Jewelry Export Promotion Council or the GJEPC. तो स्क्रीन पे आपको दिखा दें, ये रहा आपके सामने गाइस. ट्रेडर्स बॉडी मूव्स टू आउस्ट नीरव एंड चौकसी, जो आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों आ गया है. The Gem and Jewelry Export Promotion Council, that is the GJEPC, is in the process of terminating the membership of Nirav Modi and Mehul Choksi, according to the association. Unka manna hai ki inko wo hata denge. Isse hoga kya? After this omission, it will be impossible for these people to trade in diamonds in any of the leading markets of the world. To agar inko hum hata dete hain is corporation se, is association se, to wahan par ab ye kahin par bhi vyapar nahi kar payenge. They will not be able to do a vyapar anywhere in the entire world. Dosto yahan par dhyan dijiyega ki jo GAEPC hai, it stand for Gem and Jewelry Export Promotion Council. It was formed in the year 1966. It was set up by the Ministry of Commerce
और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके मुंबई में है, और इस समय इसके करीब करीब 6500 मेंबर्स हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिया भी हुआ है. सो लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस. सो अंडरस्टैंड द GAEPC हैज़ सेड दैट दे विल रिमूव मेहुल चौकसी एंड नीरव मोदी. नंबर वन. नंबर टू, यू हैव टू ऑल्सो हैव एन आइडिया अबाउट GJEPC. उसके लिए चलते हैं आपके सामने ऑन द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. The Gem and Jewelry Export Promotion Council, that is the GJEPC, has said that they are terminating Nirav Modi and Mehul Choksi. इससे impossible होगा उनका diamonds में trade करना दुनिया के leading markets में. अगर GJEPC की बात करें, it was set up under the Ministry of Commerce in 1966. Basically, ये main agency है of gems and jewelry industry in India. इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है श्री प्रमोद अग्रवाल, और इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो आपके मुंबई में है. चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट हेडलाइन पर. और नेक्स्ट हेडलाइन दोस्तों है वो मेंशन है पेज नंबर 11 पर. तो चलते हैं हम सब अब पेज नंबर 11 पर दोस्तों. ओके, लेट्स फोकस ऑन पेज नंबर 11. A very good news for especially the central government employees and also the central government pensioners. ऐसे लोग जो अभी central government job में हैं या फिर वो pension धारक हैं सरकारी central government से, उनके लिए अच्छी खबर है. जो dearness allowance है या जो dearness आपका relief है उसको बढ़ा दिया गया है by 2% and now it is at 7%. So to all the people who are preparing for government jobs, especially for the central government jobs, and also who are working at present in the central government jobs, and वो भी लोग जो pension धारक भी हैं सरकारी jobs के, उनके लिए खबर अच्छी है कि अब जो आपका DA या फिर जो आपका dearness relief है वो हो गया है at 7%. So good news to all the people who are preparing or who are working under the central government. तो ये रहा आपके सामने दोस्तों. 2% DA/DR hike for central staff and pensioners. ये हमारी खबर है दोस्तों. जो सरकारी कैबिनेट है जिसको लीड करते हैं मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्होंने कहा है दैट दे हैव अप्रूव्ड अ रिलीज ऑफ एडिशनल 2% ऑफ DNS अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड एडिशनल 2% DNS रिलीफ टू पेंशनर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ 5% ऑन द बेसिक पे और पेंशन. तो स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि नाउ द DA और द DR इज एट 7%. तो उम्मीद करते हैं एसएससी की नींद जागेगी और SSC फिर से सही तरीके से एग्जाम कराएगी, जिससे कि जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं दे कैन perhaps गेट अ बेटर पैकेज एंड also अ बेटर DA एंड DR. तो ये हमारी खबर है दोस्तों. दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. द यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड DA एंड DR. यहाँ पर बोथ हैव बीन इंक्रीज बाय 2%. फॉर एग्जाम्पल 2% DA फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड 2% DR फॉर द पेंशनर्स, जिससे कि जो ओवरऑल आपका हो गया है वो हो गया है आपके सामने एट 7%. तो याद रखिएगा, नाउ द DA फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज एट 7%. अगर DA की बात करें, DA बेसिकली इज एन अलाउंस विच इज गिवन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू मिनिमाइज द इन्फ्लेशन इम्पैक्ट. जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ता है एक सैलरी पर, उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए या खत्म करने के लिए दे ट्राई टू प्रोवाइड यू एन एडिशनल अलाउंस एंड दैट अलाउंस इज कॉल्ड एज अ DA, दैट स्टैंड फॉर DNS अलाउंस. दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा कि दिस पर्टिकुलर अलाउंस, दिस पर्टिकुलर सर्विस इज वेरी पॉपुलर नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. तो बांग्लादेश पाकिस्तान में भी आपका ये पॉपुलर है. शिवानी गोयल, आपके लिए जो सवाल है आपका, मैंने देखो आपको दे दिया है. DA का क्या फुल फॉर्म है, DA बेसिकली का क्या डेफिनेशन है. DR इज बेसिकली अ DA फॉर पेंशनर्स. DA अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए है, तो जो DR होता है वो पेंशनर्स के लिए है या फिर पेंशन धारक के लिए है जिनकी जो जॉब से रिटायर हो चुके हैं. तो गाइज, लेट्स फोकस ऑन आर नेक्स्ट हेडलाइन. पर उससे पहले अगर आपको पसंद आया तो एक बार कमेंट डाल दीजिए, येस सर वी हैव अंडरस्टूड, येस सर इट इज क्रिस्टल क्लियर, और जो पीछे नज़ारा है हमारे इस नए बैकग्राउंड का उसका मजा लीजिए. चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन गाइज, एंड उसके लिए चलना पड़ेगा हमको अपने नेक्स्ट पेज पर. एंड दैट पेज गाइज इज ऑन पेज नंबर 12. ओके, नाउ ऑन पेज नंबर 12 गाइज, वी हैव अ हेडलाइन कमिंग फ्रॉम नेपाल. मैंने दो दिन पहले बताया था आपको कि इन नेपाल
बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए संविधान की वजह से वहाँ पर जो नेपाल की राष्ट्रपति थी जिनका नाम था श्रीमती विद्यादेवी भंडारी, उनके कार्यकाल को रोक दिया गया है और अब नया इलेक्शन होगा फॉर अ न्यू प्रेसिडेंट. मैंने ये बात आपको पिछले दो दिनों में बताई थी. आई हैव डिस्कस्ड दैट देयर विल बी एन इलेक्शन ऑफ अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल. बट अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, इवन इफ द न्यू इलेक्शन विल टेक प्लेस, द फ्रंट रनर फॉर विनिंग द कवेटेड पोस्ट इज अगेन मिसेज विद्यादेवी भंडारी. तो एक बार स्क्रीन पे आपको दिखा दें, ये रहा आपके सामने नेपाल प्रेसिडेंट लाइकली टू गेट अ सेकेंड टर्म. नेपाल प्रेसिडेंट विद्यादेवी भंडारी एंड नेपाली कांग्रेस लीडर कुमारी लक्ष्मी राय ऑन वेंसडे फाइल्ड नॉमिनेशंस फॉर द पेपर्स फॉर द इलेक्शन दैट विल बी हेल्ड ऑन मार्च 13. बट अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, नेपाल्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट दैट इज मिसिज विद्यादेवी भंडारी, शी विल बी रीइलेक्टेड एज शी हैज़ द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल दैट इज लेड बाय पुष्प कुमार प्रचंड. तो ये स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर इलेक्शंस होंगे भी तो वहां पर भी जो नए राष्ट्रपति जो बनेंगी उनका नाम फिर से होगा मिसेज विद्या देवी भंडारी. तो स्क्रीन पर आपको दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. नेपाल प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी इज लाइकली टू गेट री इलेक्टेड एंड बेसिकली शी वॉज नेपाल्स वेरी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट. अगर हम बात करें इस हेडलाइन की, तो नेपाल की बात करें तो नेपाल का कैपिटल है काठमांडू. द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इज केपी ओली. जो ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाल की वो है नेपाली. द करेंसी ऑफ नेपाल इज नेपालीज रूपी एंड बेसिकली इट इज अ लैंड लॉक कंट्री. मतलब चारों तरफ से जो इसका एक बॉर्डर्स हैं उसमें कोई भी वाटर सोर्स या कोई भी सी का सोर्स नहीं है. सो बेसिकली इट इज़ लैंडलॉर्ड कंट्री का. और नेपाल न्यूज में भी कई सारे कारणों से है. फॉर एग्जाम्पल, नेपाल के अंदर चाइना इंटरवीन कर रहा है. चाइना हैज बिकम द सेकेंड एवर कंट्री टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड सर्विसेज आफ्टर इंडिया. तो कई सारी चीजों के लिए नेपाल आपका न्यूज में भी है. चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट हेडलाइन पर. और जो हेडलाइन दोस्तों है वो आपके सामने आ जाएगी. एंड दैट हेडलाइन गाइज इज ऑन वन सेकेंड. That headline, guys, is now the financial term. तो स्क्रीन पर दिखा दें उसी का हमारा ग्राफिक. सो अब बारी है हमारे फाइनेंशियल टर्म्स की. एंड उसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने पेपर पर. उसके लिए लेट्स फोकस ऑन वॉट आर द इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म्स गाइज. और ये रहे आपके सामने फाइनेंशियल टर्म्स. वी हैव थ्री टर्म्स गाइज टूडे. नंबर वन, वी हैव हेल्ड टू मेच्योरिटी. नंबर टू, वी हैव मार्क टू मार्केट. एंड नंबर थ्री, वी हैव MCLR. नाउ MCLR को डिस्कस हमने कई बार किया है, तो उस पर हम बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे. बट येस, आई विल गिव यू द स्टैटिक शॉर्ट्स ऑफ MCLR, बट वील फोकस ऑन हेल्ड टू मेच्योरिटी एंड ऑल्सो मार्क टू मार्केट. उसके चलना पड़ेगा हमको अब हमारे हेडलाइंस पर. तो चलते हैं हम हमारे हेडलाइंस के हमारे PPT पर. और ये रही गाइज द PPT ऑफ आर हेडलाइंस, सॉरी ऑफ द A4 शीट फॉर दिस पर्टिकुलर हेडलाइन. और ये रही आपके सामने द A4 शीट गाइज. तब तक अगर आपको पसंद आ रहा है शो, आप शो को लाइक भी कर सकते हैं. चलिए पहले बात करते हैं हेल्ड टू मैच्योरिटी. फॉर एग्जांपल, हमारे फेवरेट हैं भोला जी. नाउ भोला जी परचेज्ड अ बॉन्ड from a company which will provide 5% interest plus the principal after 5 years. तो भोला जी हैं, भोला जी ने परचेज किया एक बॉन्ड को. और जो बॉन्ड परचेज किया वो परचेज किया कंपनी से. कंपनी ने कहा कि दे विल गिव देम एन इंटरेस्ट ऑफ 5% एंड 5 साल बाद वो उनको प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे. Now, if Bhola does not sell the bond, before 5 years and gets the maturity after 5 years, this is called as held to maturity. दोस्तों आप सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहां पर दिया भी हुआ है आपके सामने कि भोला जी ने एक कंपनी में बॉन्ड खरीदा.
बॉन्ड खरीदने के बाद उन्होंने कहा कि बॉन्ड पर मिलेगा उनको 5% का इंटरेस्ट 5 साल बाद मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अगर उन्होंने इस बॉन्ड को नहीं बेचा और 5 साल बाद उनको बॉन्ड पर प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरी एक्टिविटी है, इट इज़ कॉल्ड एज हेल्ड टू मैच्योरिटी। सिमिलरली अगर भोला जी ने शेयर खरीदा और कंपनी से और इसको सेल किया बाबा जी को, दिस इज कॉल्ड एज हेल्ड टू ट्रेडिंग। दोस्तों आपके सामने दो एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं। यहां पर जो पहला एग्जांपल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब उन्होंने कोई चीज खरीदी और उसको उन्होंने बेचा नहीं, दे परहैप्स गॉट द इंटरेस्ट विद द प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड एज हेल्ड टू। बिल्कुल आशा रानी जी, ये तो नॉर्मल प्रोसेस बिल्कुल है, उसको हम कहते हैं हेल्ड टू मैच्योरिटी। सिमिलरली अगर इसके उलट हमने भोला जी ने एक शेयर खरीदा और उसको उन्होंने 2 दिन बाद बेच दिया, देन दिस विल बी कॉल्ड एज हेल्ड टू ट्रेडिंग। तो दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है, दो चीज़ें हैं, पहला है आपका हेल्ड टू मैच्योरिटी एंड सेकेंड आपका जो सामने है दैट इज हेल्ड टू ट्रेडिंग। तो स्क्रीन पे आपको दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने। इसके पहले आ जाओ, इसके पहले था सेक्शन येस, अ प्रैक्टिस वेयर अ सिक्योरिटी इज परचेस्ड विद द इंटेंशन ऑफ होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट टू मैच्योरिटी। एक ऐसी प्रैक्टिस जहाँ पर कि जब तक उस पर इंटरेस्ट पेमेंट ना हो तब तक सिक्योरिटी को हम ना बेचें, दैट इज कॉल्ड एज हेल्ड टू मैच्योरिटी। जितनी भी आपकी डेब्ट सिक्योरिटीज़ हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, ऑल द डेब्ट सिक्योरिटीज़ दे बेसिकली कम अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस दैट इज हेल्ड टू मैच्योरिटी, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया भी हुआ है। यहाँ पर देखिए एक और टर्म है, वो टर्म आपके सामने दिया हुआ है मार्क टू मार्केट। तो वापस स्क्रीन पे आ जाएं एक बार। फॉर एग्जांपल भोला परचेज द शेयर एट 50 रुपीज, दिस इज एट 50 रुपीज। Now the current value of the share is 55 rupees. दोस्तों देखिएगा ध्यान से, यहां पर भोला जी जो हैं, भोला जी ने परचेज किया एक शेयर, उस शेयर की वैल्यू थी 50 रुपए। अब उस शेयर की जो वैल्यू है दैट इज एट 55 रुपीज। नाउ दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज MTM वैल्यू और मार्क्ड टू मार्केट वैल्यू। द करेंट वैल्यू और द ट्रू वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑफ एनी सिक्योरिटी विल बी कॉल्ड एज अ MTM और अ मार्क टू मार्केट वैल्यू, जो कि आपके सामने यहां पर दिया भी हुआ है। तो स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्क टू मार्केट वैल्यू इट इज द ट्रू वैल्यू और द करेंट वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी दैट इज कॉल्ड एज अ मार्क्ड टू मार्केट वैल्यू और एन MTM वैल्यू। स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको इसी का सेम PPT दिखा दें, और ये आपके सामने द सेम PPT गाइस। इट इज एन अकाउंटिंग मेथड दैट रिकॉर्ड्स द वैल्यू ऑफ एन एसेट अकॉर्डिंग टू इट्स करेंट मार्केट प्राइस, इट हाईलाइट्स द ट्रू वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो अगर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में जब हम लिखेंगे तो वी विल राइट डाउन द करेंट मार्केट वैल्यू एंड दैट करेंट मार्केट वैल्यू विल बी कॉल्ड एज मार्क्ड टू मार्केट वैल्यू। दोस्तों यहाँ कुछ सवाल आ रहा है व्हाट इज अ डेब्ट सिक्योरिटी। अ डेब्ट सिक्योरिटी इज एनी सिक्योरिटी विच इज बेस्ड ऑन लोन्स एडवांसेस और इन विच द इंडिविजुअल हैज बोरोड फ्रॉम द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनी बोरोज फ्रॉम अ कस्टमर एन अमाउंट ही विल इशू अ डिबेंचर, दैट डिबेंचर विल बी अ डेब्ट सिक्योरिटी। सिमिलरली when the government will issue a treasury bill is a debt security. So anything, any security which involves lending and borrowing, that is called as a debt security. यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, the current value of an asset is called as a mark to market value or an MTM value, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया भी हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से हमारे A4 sheet पर, and let's focus on the next term guys, that is MCLR. एक बार स्क्रीन पर दिखा दें इसको, ये रहा आपके सामने दोस्तों। MCLR स्टैंड फॉर मार्जिनल कॉस्ट
of funds based lending rate. Number one. Number two, it has replaced base rate. Number three, the parameters of MCLR are CRR, operating cost, marginal cost, and tenor premium. दोस्तों अब मैं फिर से रिपीट करूंगा आपको कि ये जो चीजें हैं इनके बारे में डिटेल मत पढ़िएगा, ओनली मग अप प्लीज इसको रट्टा मार लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा कि व्हाट इज टेनर प्रीमियम, आपसे पूछेगा कि पैरामीटर्स कौन कौन से. सो आई अगेन रिपीट, MCLR स्टैंड फॉर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट. MCLR हैज रिप्लेस्ड द बेस रेट. MCLR के पैरामीटर्स हैं CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड टेनर प्रीमियम. बस आपको इतना ही पढ़ना है MCLR के बारे में, और इसका स्टार्टिंग डेट है April 1, 2016. सिर्फ इतना ही पढ़िएगा, बाकी मत पढ़िएगा. MCLR स्टैंड फॉर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट. MCLR हैज रिप्लेस्ड द बेस रेट. द पैरामीटर्स ऑफ MCLR आर CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड टेनर प्रीमियम, एंड इट इज एप्लीकेबल सिंस April 1, 2016, जो कि आपके सामने यहां पर दिया भी हुआ है. सो प्लीज इसके बारे में और डिटेल मत पढ़िएगा, इतना ही काफी होगा रिगार्डिंग द MCLR. लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस. तो एक और सवाल आ रहा है, असेट क्या होता है. असेट इज एनीथिंग दैट हैज अ वैल्यू, एनीथिंग दैट इज ओन्ड बाय यू. फॉर एग्जांपल, इफ यू ओन अ बाइसिकल, दैट बाइसिकल इज एन असेट फॉर यू. सिमिलरली, एनीथिंग दैट यू ओन दैट इज ऑफ अ वैल्यू, दैट इज नॉट अ लाइबिलिटी, विल बी कॉल्ड एज एन असेट. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा नेक्स्ट हेडलाइन. उसको ले चलते हैं हम अपने पेज पर, एंड जो हमारा पेज है दैट इज ऑन पेज नंबर 15. बहुत ही आसान सी खबर है दोस्तों. अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है एक बार कमेंट में डाल दीजिए येस सर वी अंडरस्टूड, और अगर आपने लाइक नहीं किया शो को, प्लीज़ शो को लाइक कर दीजिए. चलिए अब बात करते हैं हम पेज नंबर 15 की. अ कोलियन कंपनी रिसीव लार्ज पे हाइक्स. तो एक नया रिटेंशन पॉलिसी आया है, द एनुअल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रिवाइज एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट अप्रेजल्स गाइज. और इसके लिए दिखा दें स्क्रीन पर आपको इसी का द इमेज, और ये रही आपके सामने द इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर अप्रेजल गाइज. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वी हैव नाउ थ्री ग्रेड्स. वी हैव ग्रेड ए प्लस, ग्रेड ए, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी. नाउ इन ग्रेड ए प्लस वी हैव फोर प्लेयर्स, वी हैव फाइव प्लेयर्स. वी हैव विराट कोहली, वी हैव रोहित शर्मा, वी हैव शिखर धवन, वी हैव भुवनेश्वर कुमार एंड वी हैव जसप्रीत बुमराह. अब इनकी जो सैलरी बढ़ी है, इनकी बढ़ी है 250%, इनकी 600%, इनकी है वूपिंग 300%, भुवनेश्वर कुमार की 600% और जसप्रीत बुमराह की अगेन 600%. तो स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर सवाल बनेगा तो सवाल बनेगा आपके सामने कि वॉट इज द न्यू कैटेगरी इन द BCCI स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट. द आंसर इज ए प्लस. इन द ए प्लस कैटेगरी द एनुअल अप्रेजल इज एट 7 crores. सिमिलरली फॉर ग्रेड ए इट इज 5 crores, फॉर ग्रेड बी इट इज 3 crores एंड फॉर ग्रेड सी इट इज अगेन 1 crore. अगर ग्रेड ए की बात करें इन विमेंस, देन वी हैव मिताली राज, जुनल गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना, जिनको मिलेंगे 50 लाख रुपए सालाना, जो कि आपके सामने यहां पर दिया भी हुआ है. बाकी आपके सामने दिए हुए हैं ग्रुप ग्रेड बी ए के बारे में, बी के बारे में, सी के बारे में. यहां पर मोहम्मद शमी का नाम नहीं है बिकॉज ही हैज बीन अक्यूज बाय हिज वाइफ. उसको लेकर द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैज अपहेल्ड द डिसीजन. अभी वो शमी पर कोई भी डिसीजन लिया नहीं है, उस पर वो बाद में डिसीजन लेंगे. सो लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस. सो Now let's focus on our next headline, जो कि mentioned है अब हमारी on page number 18. A very 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 important headline guys. Balakrishna Doshi ये बने हैं. Balakrishna Doshi has won the Pritzker Prize. She is the first Indian to receive. He is the first Indian. अब she है, he है. I hope she ही लग रहे हैं, पर पता नहीं. He is the first Indian to receive the Architecture Nobel. तो स्क्रीन पे आपके सामने आ गया दोस्तों, ये रहा. Balakrishna Doshi has won the Pritzker Prize. आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं the first article, the first paragraph.
Architect Balkrishna Doshi, a pioneer of low-cost housing design, won the prestigious Pritzker Prize on Wednesday, and this particular prize is considered as the Nobel Prize for Architecture. Screen पे दोस्तों आप देखिएगा कि this prize जो कि आपके नीचे आ जाएगा, this prize has been established by Chicago's Pritzker family from the year 79. In this, they bestow an award along with a prize money of $100,000 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया भी हुआ है. तो basically he is a he. तो आइए बात करते हैं इसी का हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स में, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. Architect Balkrishna Doshi, who is a pioneer of low-cost housing design, has won the Pritzker Prize. And this prize is considered as the Nobel Prize in Architecture. Basically, it is similar to a Nobel Prize. अगर बात करें तो he is the first Indian to win this award, and he was trained under the very famous architect Le Corbusier, who planned various cities in India. अगर बात करें इस प्राइज़ के बारे में, द नेशनल प्रिट्ज़कर प्राइज़ इस्टैब्लिश्ड बाय शिकागोज़ प्रिट्ज़कर फैमिली इन 79, जहां पर कि मिलते हैं $100,000 विद अ ब्रॉन्ज मेडालियन. अब स्क्रीन पर आपको दिखा दें इसी का, अब आपको दिखा दें हमारी नेक्स्ट हेडलाइन जो कि है आपके सामने यहां पर, सेंटहुड फॉर फॉर्मर पोप पॉल सिक्स एंड स्लेन आर्क बिशप ऑस्कर रोमेरो. तो सेंट की उपाधि दी गई है दो लोगों को, पहले दी गई है ये पोप पॉल सिक्स को, और सेकंड दिया गया है टू आर्क बिशप ऑस्कर रोमेरो. उन दोनों को दिया गया है सेंट की उपाधि. एक को स्टार्ट किया जाएगा फ्रॉम 2014 एंड द अदर विल बी गिवन द सेंट स्टेटस फ्रॉम 2015. तो ये आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ, दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स जो कि ये रहा आपके सामने. Pope Paul VI and Archbishop Romero will be made saints as per the Vatican City. और ये हमारी आज की आखिरी खबर है. अब आपको स्क्रीन पर दिखा दें इसी का द हिंदू चार्ट. अब दिखा दें आपको हमारी लास्ट इमेज गाइस, लास्ट मोटिवेशनल थॉट. बी हैप्पी, बी ब्राइट एंड बी यू. खुश रहें, खिलखिलाते रहें, और बी योर सेल्फ, जैसे हैं वैसे रहें, अपने को किसी के लिए बदले मत. एंड दिस इज द मैसेज स्पेशली टू द गर्ल्स एंड वुमेन, बिकॉज इन अ सोसाइटी दे फेस अ लॉट ऑफ फ्लैक एंड अ लॉट ऑफ ट्रबल्स. सो बी हैप्पी, बी ब्राइट एंड बी यू. एंड प्लीज गाइज, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन शो के बाद कि आपको नया शो कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं हम क्या डेवलपमेंट करें, बिकॉज हम आपके लिए ही शो कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके कंप्लेंट्स को, आपके कॉम्प्लीमेंट्स को एंड आपके जो क्रिटिक्स को भी हम यहाँ पर यूज करें. With this is Kushpane signing out from the show guys, and I wish from tomorrow we'll include the MCQs in this show as well. This is Kushpane signing out from the show. Everyone guys, peace out. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. बेल आइकन दबाइए Adda247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए. Adda247, गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट.